असलम वेलकम टू शाहजुकेशन चैनल और बेटा आज हमने क्या करना है हमारे पास बेटा क्लास मैट्रिक हमारे पास जो है बिल्डिंग जो का पार्ट टू दट मीनस के बेटा चैप्टर वाले के अलावा जो हमने पढ़ना है ट्रांशनल डिवस डिस्कस करेंगे एक्साइज करेंगे अच्छा बेटा देखो हमारे पास पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांजिलेशनल डिवाइस हैं क्या ट्रांशन डिज लाइक पार्ट ऑफ ये आरप द रीडर टू इंटरप्रेट आइडिया ट्रांसलेनल डिवाइस आर वर्ड्स और फेजेज दट हेल्प कैरी आर था फ्राम वन सेंटेंस टू अदर फ्राम वन आइडिया टू अनर फ्राम वन पैराग्राफ टू अंदर एंड फाइनली ट्रांसलेनल डिवैस लिंक सेंटेंसिस एंड पैराग्राफ्स टुगेदर स्मूथली सो दैट देर आर नो एवरऑफ जम्पस और ब्रेक्स बिटवीन आइडियाज क्या ट्रांजलेशनल डिवाइस बेसिकली है ब्रिज की तरह होते हैं आपकी पेपर में आपकी राइटिंग वगैरह जो होती है क्या करते हैं ये आपको ना ये पढ़ने वाले को हेल्प करते हैं ताकि वो क्या कर सके आपके आइडियाज़ को आपके थाट्स को प्रॉपरली तौर पर ये समझ सकें अब होता क्या है इनको यूज करने से ना आप एक एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस एक आइडिया से दूसरे आइडिया या इवन कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक रीडर को पढ़ने में स्मूथली कन्वर्ट करते हैं उसके जो आइडियाज हैं जो थाट्स हैं ठीक है और आपको मतलब कि कोई ब्रेक नहीं मिलता तो आप ना जो ऑथर होता है जो राइटर होता है ना उसकी बात को आप प्रॉपरली समझ पाते हो आगे लिखा भाई देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रांसलेक्शनल डिवाइसेस एंड ईच कैटेगरी लीड्स रीडर्स टू मेक सर्टेन कनेक्शन और एजॉमशन सम लीड रीडर्स एंड एम्प्लाई द बिल्डिंग ऑफ एन आइडिया और अदर्स मेक रीडर्स आइडियाज और और रॉ ड्रॉ कंक्लूशन फ्रॉम द प्रिस कह रहे हैं कि भाई अलग अलग टाइप की ट्रांजिशनल डिवाइसेज होती हैं आ, कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको पढ़ के आगे बढ़ते हैं ठीक है और कुछ ऐसे होते हैं कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं ट्रांजिशनल के आ, जिसकी मदद से लोग क्या करते हैं कंपेयर करते हैं ऑथर वगैरह अपने बुला देखिए लिखने में वो चीज़ें यूज़ करता है अब देखो ये एक लिस्ट है हम सब के सब डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन आपको एक एक रैंडम आपको एक आइडिया बताऊंगा ठीक है ये आप लोग यूज़ कर सकते हो अब देखो कौन कौन से होती हैं कुछ ऐड करने के लिए आप ये वाले वर्ड यूज़ करते हो अब एंड अगेन एंड बिसाइड इक्वली एकटेंट फर्स्ट सेकेंड इस मिसाल के तौर पर अगर आप बोलते हो ना कि आई विल लूज हिज फर्दर मोर आई विल ऑल्सो हेल्प दैम एंड आई विल आप क्या कर रहे हो आप ऐड कर रहे हो कुछ मतलब जो आपने एक्शन बताया उसी के साथ आपने ऐड किया अगला है टू compare. कंपेयर करने के लिए क्या कर रहे हो आप देखो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं मिसाल के तौर पे। ठीक है मैं बोलूँ अली हैज़ completed his प्रोजेक्ट हाउ एवर आमना हैज़ done डन इट यट ये आप क्या कर रहे हो कम्पेयर कर रहे हो इन दो चीज़ों का कम्पेरिजन कर रहे हो आप ठीक अगला है टू प्रूफ करने के लिए बिकॉज ये सारे के सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं ठीक है मैं अगर आपसे बोलूँ कि आई नीड अ कार बिकॉज आई हैव टू ट्रेवल अ लॉट ठीक है यहाँ पे अब अब जाहिर सी बात है हर किसी को यूज करने का अलग अलग तरीके होते हैं ठीक अगला लिखा गया टू शो एक्सेप्शन बेटा किसी चीज़ को एक अलग करने के लिए एक्सेप्शन करने के लिए येट स्टिल हाउ एवर अब देखो कंपेयर नहीं आ रहा पे आप क्या बोलोगे मिसाल के तौर तो पर मैं वही वाला सेंटेंस यूज़ कर रहा हूँ Project, uh, inspired of, inspired of आगे 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 कि अली हैज़ नॉट कम्प्लीट हज प्रोजेक्ट इंस्पायर ऑफ इंस्पायर ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम हालांकि उसके पास तो बहुत सारा टाइम था मतलब आपने एक्सेप्शन दे दी उसने कम्प्लीट नहीं किया प्रोजेक्ट हालांकि क्या था उसके पास बहुत सारा टाइम था ठीक अगला क्या बेटा हमारे पास देखो टू शो टाइम इमीडिएटली ये सारे के सारे वर्ड्स बेटा आपके पास आ रहे हैं कॉमनली तौर पे बेटा आप इनको यूज़ करते हो रिपीट के रिपीट में ये वाले वर्ड्स आएंगे तो बेटा हैं तो बहुत तो सारे वर्ड्स ठीक है लेकिन आपने बेटा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन तमाम कैटेगरी की आपको उतनी ग्रेप बेटा होती जाएगी आपके पास ठीक अच्छा बेटा हमारे पास हमने एग्ज़ाम्पल्स में ये आ गए आप इस तरह से एग्ज़ाम्पल फॉर इंस्टेंस इन दिस केस एन अदर केस ऑन दिस ओकेशन इन दिस जो भी आप पढ़ते जाएंगे बेटा आपके लिए बेहतर हो जाएगा और अगर किसी इसको कंक्लूड करना है एंडिंग करनी है इन ब्रीफ ऑन द होल समिंग अप टू कंक्लूड ये बेटा आपकी राइटिंग में ना जब आप यूज़ करते हो तो पढ़ने वाले को हेल्प मिलती है कि आप दरअसल बात क्या कर रहे हो किस तरफ लेके जा रहे हो ठीक अब बेटा हमारा एक्सरसाइज आ रही है देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई आपने करना है, क्या है आपने एक काम करना है और पैसेज वन कनेक्टर्स और रीजन टू का आप यूज़ करना है लेकिन हम क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे देखो ये आपके पास बेटा पैराग्राफ आ रहा है लेकिन ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर ना वीडियो को पॉज करो और सोचो कि आपके ख्याल से आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पर ठीक है आप बुक में बेटा चाहे ये एक्सरसाइज वग़ैरह निकाल के आप देख सकते हो ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए कि आपने किस तरह से यूज़ करना है क्या यूज़ करना है यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए बेटा क्योंकि अब हम डायरेक्ट इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे ठीक है ओके okay, देन बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके आपने इसके अपनी तरफ से आंसर्स गेस कर लिए होंगे बेटा अब हम आंसर्स डिस्कस करते हैं और इसके आंसर्स बेटा हमारे पास ये रहे देखो क्या रहा है फर्स्ट सच सैटरडे सटरडे अ ग्रेट डे फर्स्ट आई मेट माई फ्रेंड्स एट द स्पोर्ट्स सेंटर फिर क्या लिखा हुआ है देन वी हैड लंच एट कैफे Next, we went to a museum and saw some amazing dinosaurs. After that, we went to see a fantastic science fiction film. As soon as the film ended, we all went home. Uh, then, 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 then after that, then, 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 then Bilal was an hour late because he had missed the train. I did not bother him as he was worried uh, because the I offered him lunch. बट सिंस इट वॉज दस टाइम बिकॉज बार्नि ये क्या है एक आपकी राइडिंग को खूबसूरत बना रहा है ठीक है बट ही रिफ्यूज ओविंग टू द स्टाफ शॉर्टेज एट द ऑफिस एवरी वन वॉज वेरी बिजी ड्यू टू विच नो बडी वॉज एबल टू इन्श्योर देट ही हैड इज लंच सिंपल एज देट बट आप देख रहे हो जो आपने वर्ड सोचे और यहाँ पर जो वर्ड्स आए मैं आप देख रहे हो कि इस इन वर्ड्स को यूज़ करने से जो रिदम बना जो एक स्मूथनेस बनी है वो किस तरह की बनी हुई है तो बेटा ये आपने बेसिकली आपको ये सिखाने का मकसद यहाँ पर ये यह था अब जरा हम बेटा अगली एक्सरसाइज की तरफ आते हैं अगेन वही बात बेटा आपने ये वाले वर्ड्स को आ, फिल करना है वही अपने पास ट्रांजिशनल डिवाइस से बेटा मैं चाहता हूँ कि बेटा यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करें ठीक है उसके बाद बेटा फिर मैं आपसे इसके आंसर्स डिस्कस करूँगा ठीक है तो बेटा आई वॉन्ट यू टू पॉज योर वीडियो राइट नाउ अब आप जरा वीडियो को पॉज कीजिए फिर बेटा हम आपसे इसके आंसर्स वगैरह को डिस्कस करते हैं ठीक है और राइट देन बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी वीडियो वगैरह को पॉज कर लिया था बेटा नाउ लेट्स डिस्कस आंसर्स क्या आपके पास कौन कौन से इसके आंसर्स मौजूद हैं यहाँ पर लेट्स सी देखो भाई क्या लिखा हुआ यस्टरडे वॉज माई बर्थडे एंड आई एंड इट डिड स्टार्ट वेल आई वेंट टू द पार्क टू मीट माई फ्रेंड्स बट दे वन देर सो आई डिसाइड टू लुक फॉर डिसम First I went to the shopping center opposite the park but they weren't there. Then I looked for them in the library but they weren't there. Next I tried to I tried the sports center and the restaurant near the park but my friends weren't there. After that I went home and my friends were there with a birthday cake. Ice cream, music and games. It was a surprise party for me. Finally I had a great birthday. Simple as <laughs> hey, a step by step you help. First, this ये करो दैन दैन लगा दे देन दैन बार बार दैन तो ना अजीब व गरीब सा लगता है पड़। पढ़ने पढ़ने थोड़ी राइटिंग में वीकनेस आती है तो लिहाजा बेटा आप क्या करते हो इनको यूज़ करते हो इस तरह से बेटा ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपको हेल्प करती है आपकी राइटिंग में स्मूथनेस लाने के लिए और पढ़ने वाले को ना जो आपका आइडिया होता है वो अच्छी तरह से कन्वे होता है बेटा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है आपको हेल्प मिलती है उसको यूज समझने में ठीक है ये आपकी राइटिंग में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है सही है और जब वो गैप की आपके पास लिस्ट बढ़ती रहती है तो बेटा आपकी राइटिंग में वो एक निखार आपकी पॉलिश होती रहती है बेटा बट यहाँ पर बेटा अपने इस लेक्चर को खत्म करेंगे मैं उम्मीद करता तो हूँ बेटा आप लोगों को ले लेक्चर समझ में आ चुका होगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा असलम एंड अल्लाह हाफिज़